जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ सामने आई है, साथ ही इसके फाइनल ट्रेलर की सबसे लाइकली डेट का भी पता चला है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के दो नए टीवी स्पॉट्स सामने आए हैं। पहले टीवी स्पॉट में कार्नोटॉरस और एलोसॉरस किसी वजह से अपने केज से बाहर आ जाते हैं, जिनके बीच ओवन फंस जाता है। पैनिक में आकर वह खुद ही उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है, जो काफ़ी सिमिलर है जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम के इस कॉन्सेप्ट आर्ट से। ओवन का एक और सीन है जिसमें उसने अपने पीठ पर ब्लू के बेबी बेटा को बांध रखा है। बैकग्राउंड में जलते हुए बायोसिन फैसिलिटी को साफ साफ देखा जा सकता है। नेक्स्ट टीवी स्पॉट थोड़ी बुरी क्वालिटी में है, क्योंकि फिलहाल ये सिर्फ टीवी पर दिखाया जा रहा है। यहाँ मेन फोकस बेटा और ब्लू पर है। ओवन ब्लू से यही प्रॉमिस करता है कि वो उसके बच्चे को सही सलामत ले आएगा। डॉक्टर वू बहुत ही आराम से मेजी से बात कर रहा है, जो कि ये प्रूव करता है कि इसका कैरेक्टर अब सुधर चुका है। इस मार्केटिंग इमेज में डायमेटोडॉन एक केव में है, जहां बैकग्राउंड में हम कुछ लोगों की परछाई को देख सकते हैं, जिनमें से एक ने हैट पहनी हुई है। कॉलिन ने रिसेंटली ये इमेज अपलोड की थी, जहाँ एलन मेजी और एली भी एक केव में जा रहे हैं। तो वे रूमर्स जहां बताया जा रहा था कि एहलन का केव में डायमेटोडॉन के साथ सामना होगा, वे सच थे। ये केव बायोसिन की फैसिलिटी में ही है और किसी वजह से ये लोग इसमें जा रहे हैं। एक और मार्केटिंग इमेज है जहां बायोसिन की फैसिलिटी का मैप दिया हुआ है। इसके ठीक बीच में एम्बर माइंस है और शायद ये लोग यहीं पर हैं। उसके बगल में लोकस्ट बना हुआ है, इसी जगह में उन्होंने लोकस्ट को रखा होगा। और देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी फैसिलिटी में एट्रोसेप्टस को भी रखा है, तो शायद हम एट्रोसेप्टस को सिर्फ माल्टा में ही नहीं बल्कि यहाँ पर भी देखेंगे। और मार्केटिंग इमेजेस भी हैं। पच्चीस से 28 अप्रैल तक सिनेमा कौन होगा। 27 अप्रैल को यूनिवर्सल भी अपनी अपकमिंग मूवीज़ को प्रमोट करने वाला है, जिसमें जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन भी है। ये बैनर सिनेमा कौन के लिए बनाया गया है। ये सीन थेरिजोनोसोरस वाले सीन के बाद का होगा, और मुझे लगता है कि एक्चुअल में यहाँ डायलोफोसोरस नहीं है, ये एडिटेड है। ये इमेज भी सामने आई है जिसे हमने एम्पायर मैगजीन में देखा था, बट ये थोड़ी सी अलग है। मे बी ये सिनेमाकॉन में दिखाई जाने वाली क्लिप का एक हिस्सा है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की टिकट्स 28 अप्रैल से अवेलेबल हो जाएगी, तो मोस्ट लाइकली फाइनल ट्रेलर 28 अप्रैल को आ सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ। Thank you.